आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिन्ना का गुणगान, पाकिस्तान का बखान और माफिया के प्रति संवेदना ही है विपक्ष का काम। सातवें चरण के चुनाव में मतदान से पहले सीएम योगी ने विपक्ष पर फिर बोला हमला। कहा, सुरक्षा, विकास, सुशासन व जन कल्याणकारी योजनाओं को मिला जनता का भरपूर समर्थन। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा के सहयोगी डॉक्टर संजय कुमार निषाद हुए मीडिया से रूबरू। कहा, पिछले 6 चरणों के सभी विधानसभा की सीटें जीत रही है भाजपा, सातवें चरण की भी सभी सीटें होंगे भाजपा के खाते में। दोबारा प्रदेश में निषाद पार्टी के समर्थन में बनेगी भाजपा की सरकार। गोरखपुर में रविवार को नहीं मिले कोई नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 232। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम मशीन का सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे की जा रही है निगरानी। केंद्रीय सुरक्षा बल व जनपद पुलिस दे रही है ईवीएम को सुरक्षा। मतगणना ड्यूटी में लगे कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण। योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सकुशल हुआ संपन्न मतगणना कराने की दी गई विस्तृत जानकारी। जनपद में छठे चरण का चुनाव सकुशल संपन्न होने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ केक काटकर किया सेलिब्रेट। कहा, सभी के अच्छे कार्य से सकुशल संपन्न हुआ शांतिपूर्वक चुनाव। ढाई किलोग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और उत्तर प्रदेश जूनियर फुटबॉल प्रीमियर लीग का 27 मार्च से किया जा रहा है आयोजन। आईपीएल की तर्ज पर प्रदेश के सभी 75 जिलों के कुल 900 खिलाड़ियों को किया जाएगा चयनित।